भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल आज करनाल के लघु सचिवालय पहुंचा। यहां उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पूरे जिले में ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके गिरदावरी जल्द से जल्द करवाकर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जो फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है, जिससे किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द गिरदावरी नहीं करवाई गई तो अधिकारियों को फसल के नुकसान के परिणाम का सही आकलन नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द गिरदावरी करवा कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। लघु सचिवालय पहुंचे किसानों ने एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक को अपना ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक ने किसानों की बात को गंभीरता से सुनते हुए जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। देखिए एक रिपोर्ट। ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है उपायुक्त महोदय के नाम, जिसमें उन्होंने विशेष गिरदावरी की मांग करी, तो उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त महोदय को जो भी निर्धारित इनकी डिमांड है सब बता दीजिए। एसडीएम सर, किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पिछले मुआवजे उनको अभी चाहे वो कंपनी की वजह से ही है या किसी कारण से उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो देखिए वही विषय अभी इन्होंने उठाया है। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसकी भी जांच करा के उस पर भी कार्रवाई की। सर, जिले में 85,000 किसान है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा ऐसे किसान जिनके पास बीमा नहीं है। देखिए, दिस फिगर कैन बेटर बी टोल्ड टू यू बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आप करनाल जिले के कम से कम 50 जो गांव है बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी गांव की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। सरकार कहती थी फसल बीमा योजना में जब पूरे गांव की फसल खराब होगी तब ही मुआवजा दिया जाएगा। अब ये पूरे के पूरे गांव में बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और हमारी प्रशासन से गुहार है, हमने एसडीएम से असंघ से भी बात करी थी, स्पेशल गिरदावरी के लिए कोई आदमी भेजा जाए, और अब तक कोई भी आदमी नहीं भेजा गया है और सारी फसल हर तरीके की बर्बादी हो चुकी है, गड़ चुकी है, बदबू हो चुकी है और बीमारी फैलने का वहाँ भारी अंदेशा है। पिछला मुआवजा भी बकाया पड़ा है। हमारी प्रशासन से ये निवेदन है कि जिसकी फसल बर्बाद हो, जिसके मुआवजा जिसका फसल बीमा योजना है उसको भी, और जिसका फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो नहीं आता उसको भी, दोनों तरीके के किसानों को मुआवजा दिया जाए। आज किस लिए आए हैं? आज हम यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं भैया, जल्द से जल्द कार्रवाई करके, क्योंकि अगर 2-3 दिन का भी डिले हो जाता है तो मौका मुआयना करने के लायक हमारे खेत नहीं बचेंगे। क्या नाम आपका? राजेंद्र आर्य, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। किसान यूनियन का प्रदर्शन है और मांग है कि जो नुकसान हुआ है ओले की वजह से, बारिश की वजह से, वो एक भारी तबाही का मंजर इस बार है और अभी तक कोई हमारे खेत की गिरदावरी करने नहीं गया, अभी तक हमारे कोई जख्मों पे मरहम लगाने की तरफ से कोई प्रशासन या किसी राजनेता ने अभी तक पहल नहीं की है, और हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि पूरे जो है इलाका है उसका गिरदावरी की जाए, स्पेशल गिरदावरी की जाए और जहां नुकसान है उनको 50,000 रुपये एकड़ का मुआवजा दिया जाए और इसमें सब्जी भी शामिल हो, इसमें सभी फसलें शामिल हों, जिनका बीमा है उनको बीमे से मिले और जिनका बीमा नहीं है उनको किससे मिलेंगे। आज आज माननीय डीसी साहब को हम ज्ञापन देने के लिए। पिछला मुआवजा भी रुका पड़ा सरकार के? पिछला भी रुका पड़ा है, पिछला भी अभी तक नहीं आया, जबकि पिछले का टाइम बाउंड होता है और उस टाइम बाउंड के अंदर वो मुआवजा नहीं दिया गया है, और लेकिन प्रशासन और सरकार जो राजनेता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और इस बार का जो मुआवजा जो खराबा है उसका अभी तक जानबूझ के जो है वो जल्दी गिरदावरी नहीं करवाते, क्योंकि जितना टाइम फिर निकल जाता है, टाइम निकलने के बाद बहुत सी जमीन ऐसी होती है जिसमें 100% नुकसान। कितने लोग, कितने बाउंड इफेक्ट है इसमें, कितने लोगों? देखिए, वैसे तो हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं लेकिन विशेष तौर पे जो बड़ा गांव है उसके आसपास का जो इलाका है उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है वहाँ, क्योंकि ओला तो जब विशेष जगह पे पड़ता है वो पूरे जिले में नहीं पड़ता, तो वहाँ पे ओले का नुकसान बहुत ज्यादा है। पूरा नाम? मेरा नाम गुरनाम सिंह है और भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का प्रदेश। कौन से एरिया से आए हैं सारे किसान? बड़ा से। देखिए, ज्यादा जो किसान हैं वो बड़ा एरिए के हैं, उस एरिए में ज्यादा नुकसान है। वैसे हमारी मांग है कि गिरदावरी तो पूरे जिले की करवाई जानी चाहिए, जहाँ भी नुकसान है बारिश की वजह से नुकसान है, चावल की वजह से नुकसान है, लेकिन बड़ा वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है, वहाँ की तुरंत जल्दी करवाई जाए। तो आज क्या ज्ञापन देंगे? आज ज्ञापन बता दो जी। इसमें हमारी बेनती ये है कि जो ओला पड़ा है और जो बारिश हुई है उससे बहुत भारी नुकसान है, और बड़ा के आसपास में जो हमने नोट भी दिया है, बड़ा के आसपास में विशेष तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान है,
तो इसकी गिरदावरी अगर आप लेट करवाओगे तो आंकलन नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो सब्जी है वो 100% खराब होगी, अगर वो सूख जाएगी तो खेत जोत दिया जाएगा। तो इसकी जल्दी तुरंत इसकी गिरदावरी दिया जाए और तुरंत इसका मुआवजा दिया जाए। बहुत ही बिल्कुल अभी तक भी ओले नहीं खुले, 4 दिन हो गए, अभी तक भी ओले खेतों में पड़े हुए, अभी तक भी नहीं खुले हैं, इतना ओला जो है पड़े हैं। उसी मांग को लेके आए हैं और आपसे बेनती है कि इसको थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि बाद में हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा और किसान की हालत खराब। वो बड़े बड़े वाला की तरफ से तो ऐसा काम नहीं दिख रहा है, तिलहन दलहन गेहूँ तो सारा कुछ बाकी नहीं है। 100% से भी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.